गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर की इस क्लास में पुनः आपका स्वागत है। और इस क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रांस की राज्य क्रांति, और उसमें हम लोग बात कर रहे थे स्टेट जनरल की। आज इस स्टेट जनरल को पुनः एक बार कुछ शॉर्ट में और मैं आपको बताना चाहूंगी। जिस समय स्टेट जनरल की मांग बुलाने की बात की जा रही थी लुई 16वें के शासनकाल में, उस समय में कोई भी फ्रांस में ऐसा जीवित व्यक्ति नहीं था जो इसकी संगठन और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में जानता हो। तो लुई 16वें ने इसके लिए एक अलग से विभाग बनाया, एक आयोग का गठन किया, और उसमें जो लोग थे उन्होंने इस स्टेट जनरल से संबंधित जितने पुराने कागजात थे उनका गहनता से अध्ययन किया और उसके बाद अपनी रिपोर्ट लुई 16वें को सौंपी। और उसमें अभी तक इस ये स्थिति क्लियर नहीं हो पाई थी क्या पहले की भांति सदस्य संख्या को बरकरार रखा जाएगा, क्या पहले की भांति तीनों श्रेणियों की जो बैठक व्यवस्था है वो उसी प्रकार से रहेगी, या पहले की भांति ही जो तीनों श्रेणियों को अलग अलग मत देने का अधिकार था वो लागू रहेगा। इन बातों को लेकर के लुई 16वां जो था वो काफी असमंजस की स्थिति में था। इसी समय आप देखिएगा, इस समय में जो नेकर उसका अर्थमंत्री या वित्त मंत्री था, उसकी ये कोशिश थी कि किसी तरह से जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग है वो कर देने के लिए तैयार हो जाए, इससे जनता में भी जो असंतोष है उसमें कमी आ जाएगी और फ्रांस की आय में भी वृद्धि होगी। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिएगा कि नेकर के बार बार प्रयास करने के बाद भी ये जो वर्ग था वो किसी भी सूरत में कर देने को तैयार नहीं था। फिर जनता को संतुष्ट करने के उद्देश्य से नेकर ने लुई 16वें को ये सलाह दी कि जो तीसरा वर्ग है उसकी सदस्य संख्या दुगनी कर दी जाए। लुई 16वें ने नेकर की सलाह को स्वीकार करते हुए स्टेट जनरल के तीसरे वर्ग या तीसरे श्रेणी की सदस्य संख्या को दुगना करने की बात स्वीकार कर ली। लेकिन दोनों की इन तीनों श्रेणियों की या तीनों वर्गों की बैठक एक साथ बुलाने या अधिवेशन के दौरान तीनों को एक साथ बैठने की व्यवस्था की बात जो थी वो उसने भविष्य के लिए टाल दी। इतना ही नहीं, इस स्टेट जनरल में जो मतदाता थे उन मतदाताओं को अपनी अपनी समस्याएं लिख करके, अपनी अपनी मांगे एक स्मृति पत्र पर लिख करके अपने प्रतिनिधि को देने की बात कही। वो उन सारी समस्याओं से संबंधित स्मृति पत्र जिन्हें केहियर या काहियर कहा जाता था वो प्रतिनिधि उनको कलेक्ट करके लुई 16वें तक पहुंचा दे। इस तरह की व्यवस्था जो है इस स्टेट्स जनरल के अधिवेशन को लेकर के लुई 16वें के द्वारा की जा रही थी। अब आप देखिए, बात करते हैं कि ये जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई जिसने फ्रांस में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी तहलका सा मचा दिया, उस क्रांति के कारण क्या थे? तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था की या राजनीतिक कारण। राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक कारण, अब देखिए ये तो भली भांति आप इस बात से परिचित है कि राजतंत्र जो है वो अधिकांशतः निरंकुश हुआ करते थे, और फ्रांस के शासक चाहे हम लुई 14वें की बात करें, लुई 15वां या क्रांति के समय शासक लुई 16वां पूरी तरह निरंकुश थे। आप देखिए, लुई 14वां ये कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ। उसकी इस तरह की विचारधारा से स्पष्ट हो जाता है कि फ्रांस के शासक किस हद तक निरंकुशता का पालन करते थे। इवन आप देखिएगा, उनके जो अधिकारी और कर्मचारी होते थे वो भी कभी सम्राट को सलाह मशवरा मानने, उनके द्वारा दिए गए सलाह मशवरा को मानने के लिए विवश नहीं कर सकते थे, जबकि शासन में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी हुआ करती थी। इसी प्रकार आप देखिएगा, स्वयं लुई 16वां ये कहा करता था कि यह चीज कानूनी है क्योंकि मैं ऐसा कहता हूं, अर्थात उसके मुख से निकली हुई हर बात चाहे वो सही हो या गलत हो उसका आज्ञा पालन कानून मान करके करना आवश्यक है। तो इस तरह की विचारधाराओं वाले जो शासक थे
थे उन्होंने निश्चित रूप से फ्रांस के शासन को पूरी तरह से निरंकुश बना दिया था। फिर आप देखिए ये जो स्थिति थी इतनी भयावह जब हो जाती है, जब फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है, उसके बाद भी शासक उस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे। स्वयं लुई 16वां जो था वो आप देखिएगा पेरिस से लगभग 16 मील दूर वर्साई के एक शानदार महल में रहता था। लुई 16वें का जो महल था वो पेरिस की राजधानी, वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में न होकर के वर्साई में था, जो वहां से 16 मील की दूरी पर स्थित था। ऐसा माना जाता है, विद्वानों ने इस संबंध में अपने कथन प्रस्तुत किए, ये जो वर्साई का महल था यूरोप के बड़े बड़े देशों के जो शासक थे उनसे कहीं अधिक शानदार था। इस महल में आप देखिए हजारों की संख्या में नौकर हुआ करते थे, सैकड़ों मेहमान वहां वर्ष भर बने रहते थे। स्वाभाविक है जब इतने सारे मेहमान, सगे संबंधी, मित्र आदि होंगे, बड़ी संख्या में नौकर रखे जाएंगे तो वहां पर खर्चा भी अधिक होगा। चाहे फ्रांस की राजनीतिक स्थिति कभी कैसी भी रही हो, लेकिन वहां के शासकों की शान और शौकत में कभी कभी नहीं आती थी। जो लुई 16वां था वो राजकार्य से विमुख होकर के, अपने राजनीतिक कर्तव्यों से विमुख होकर के सदैव वर्साई के महल में शान और शौकत का जीवन व्यतीत किया करता था। दिन भर नृत्य संगीत रंगरलियां जो है वो इस वर्साई के राजमहल में होती रहती थी। स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी, और यही कारण है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद भी जनता के प्रति जब लुई 16वां अपने उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं कर रहा था तो जनता का असंतोष जो था उसमें वृद्धि होती जा रही थी, और वो अपने राजा के विरुद्ध एक होकर के क्रांति करने के लिए तैयार हो गए थे। इसके बाद आप देखिए हम यदि आंतरिक शासन व्यवस्था की बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस का आंतरिक शासन व्यवस्था जो थी वो भी काफी अव्यवस्थित थी। पूरा मतलब एक सिस्टम नहीं था, पूरा शासन जो है वो इकाइयों में विभाजित था। आप देखिए एक ही देश विभिन्न इकाइयों में विभाजित है, जो नियम और कानून एक इकाई के अंदर लागू होते थे, माने जाते थे, संचालित होते थे, वही दूसरी इकाई में दूसरा कानून और दूसरे नियम संचालित हुआ करते थे। यानी समान शासन व्यवस्था जो थी उसका पालन यहाँ नहीं किया जाता था, विभिन्न इकाइयों में विभिन्न प्रकार से शासन संचालित किया जाता था। अब ये जो इकाइयों के अधिकारी होते थे, जो प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, निसंदेह ये सारी इकाइयां केंद्रीय शक्ति के अधीन होती थी, और ये सारे अधिकारी केंद्रीय सत्ता के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। लेकिन किस कंडीशन में, यदि राजा योग्य है, यदि राजा सबल है और राजा शक्तिशाली है, उस कंडीशन में ये सारे अधिकारी अपने अधिकारों के प्रयोग के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह करते थे। लेकिन जब केंद्रीय सत्ता निर्बल हो गई लुई 16वें के शासनकाल में, तो उस स्थिति में इन इकाइयों के कर्मचारी अधिकारी जो थे वो स्वतंत्र शासक की भांति कार्य करने लगे, और राज्य के प्रति जो उनके कर्तव्य थे उससे वो विमुख होते चले गए। इसके बाद आप देखिए कि इन राजनीतिक अधिकारों का दुरुपयोग जो है वो भी इन इकाइयों के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाने लगा। स्वाभाविक है जैसे जो भू राजस्व कलेक्ट होता था उसका एक निश्चित भाग उन्हें वहां पहुंचाना होता था, लेकिन शासक केंद्रीय शक्ति के कमजोर होने के कारण कई बार स्थिति होती थी यदि भू राजस्व 1000 फ्रेंक प्राप्त हुआ है तो वहां पर 500 या 600 फ्रेंक जमा करके बाकी अधिकारी अपनी जेब में रख लिया करते थे। तो राज्य की आय जो थी, राज्य का जो राजकोष था, उस पर भी इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था के कारण, केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के कारण उन पर भी दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम सामाजिक कारण की। अब यहां भी आप देखिएगा जिस तरह से राजनीति में असमानता थी, राजनीति
उसी तरह से यदि हम फ्रांस का समाज देखें तो फ्रांस का समाज भी असमानता का एक जीता जागता उदाहरण था। पूरा समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित था, जिसमें आप देखिए तीन वर्ग जो है वो काफी महत्वपूर्ण माने जाते थे। इन तीन वर्गों में पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग जो है वो विशेषाधिकार संपन्न वर्ग था, जबकि तीसरा वर्ग जो है अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के बाद भी विभिन्न अधिकारों से वंचित था या अधिकार रहित हम इस तीसरे वर्ग को कह सकते हैं। तो पहला वर्ग जो था पादरी। आप देखिए धर्म का जो प्रमुख और सर्वे सर्वा होता था वो ये पादरी होता था और चर्च का विशेष महत्व था धार्मिक दृष्टि से भी। पूरे यूरोप में हम लोग पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन हम सब पढ़ चुके हैं यूरोप में, तो आप ये भली भांति जानते होंगे कि चर्च का क्या रोल रहता था राजनीति में। यहाँ पर भी आप देखिए पादरी जो है वो पूरी तरह से धन संपन्न और समृद्ध हुआ करते थे। इसका कारण क्या था? चर्च के पास एक बहुत बड़ा भूभाग हुआ करता था या चर्च के पास बहुत बड़ी जमीन हुआ करती थी। स्वाभाविक है भू राजस्व राज्य की आय का एक बड़ा स्रोत माना जाता है, लेकिन चर्च की जो इतनी बड़ी भूमि या इतना बड़ा भूभाग चर्च के पास होता था उस पर कभी भी कर नहीं दिया जाता था। तो राज्य के टोटल एरिया का बड़ा भूभाग चर्च के पास होता था, लेकिन उसके बाद वहां से भू राजस्व प्राप्त नहीं होता था। कुल मिलाकर दूसरे शब्दों में हम कहें चर्च की सारी जमीन जो होती थी वो कर मुक्त होती थी। वहीं आप देखिए इस भूमि पर चर्च के द्वारा कृषि कार्य भी करवाया जाता था और कृषि के माध्यम से भी उसे काफी आय प्राप्त हो जाती थी। तो चर्च के पास धन का अभाव नहीं था। जब चर्च के पास धन का अभाव नहीं था दैट मीन्स पादरी जो है वो समृद्ध थे। जब पैसा अधिक आ गया तो नैतिकता का स्तर जो है चर्च का वो भी दिन पर दिन गिरता चला गया। पादरी बिशप आर्क बिशप जो चर्च के अधिकारी थे उनकी स्थिति ये हो गई थी कि वो पूरी तरह से अनैतिकता के अंधेरे में खो गए थे और दिन पर दिन उनका नैतिक पतन होता जा रहा था। वहीं हम बात करते हैं इनके आय के दूसरे स्रोत की। कृषक अपनी पूरी मेहनत से अपने परिश्रम से फसल की पैदावार करते थे और चर्च के पास इतना धन होने के बाद भी उनसे उनकी फसल का धर्मांश के रूप में एक कर या एक हिस्सा ले लिया जाता था। और क्योंकि इस समय धर्म का प्रभाव अधिक था किसान उस धर्मांश को देने के लिए विवश थे, क्योंकि उनके दिमाग में इस तरह की बातें बैठा दी गई थी कि धर्म से विमुख होने या धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा न करने पर उस व्यक्ति को कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा और स्वर्ग के स्थान पर उसे नर्क की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। इन बातों से भयभीत होकर के कृषक जो है अपनी फसल से वो धर्मांश भी इन पादरियों को दिया करते थे। वहीं आप ये देखिएगा जितने धार्मिक कार्य होते थे चर्च के वो धार्मिक कार्य जो है वो साधारण पादरियों के द्वारा किए जाते थे। ये साधारण पादरी जो होते थे वो साधारण पादरी जनता में से चुन करके आते थे, लेकिन जो बिशप आर्क बिशप इनको जो सुख सुविधाएं प्राप्त थी इनके पास जो धन हुआ करता था उसकी तुलना में इनके पास धनाभाव सदैव बना रहता था, जबकि वास्तव में चर्च के धार्मिक कार्यों चर्च की धार्मिक व्यवस्था का पूरा प्रबंध इन साधारण पादरियों के द्वारा ही किया जाता था। तो इस तरह से वर्ग एक ही था लेकिन उस वर्ग को बिलोंग करने वाले इन अधिकारियों इन धर्माधिकारियों में काफी असमानताएं पाई जाती थी। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय श्रेणी की या कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग का देखिए पादरी वर्ग के बाद इस सामाजिक व्यवस्था में फ्रांस में दूसरा महत्वपूर्ण पद था और इसमें मुख्यतः आप देखिएगा जो लोग आते थे वो थे सामंत। इन सामंतों में भी दो कैटेगरी थी, एक
सैनिक सामंत हुआ करते थे और एक न्यायाधीश सामंत हुआ करते थे। सैनिक सामंत जो होते थे अधिकांशतः उनका पद जो होता था वो वंशानुगत होता था, यानी बाप सेना में उसके रिटायर होने या उसके मृत्यु प्राप्त होने के बाद उसका पुत्र या परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे उसका भाई हो या पुत्र हो, वो उस पद पर खुद पे खुद आसीन हो जाता था। इसी प्रकार से आप देखिएगा जो न्यायाधीश सामंत थे उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी और उनका भी समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता था, अपना स्टेटस उनका हुआ करता था। तो जो दूसरा वर्ग है उस दूसरे वर्ग भी सामाजिक जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता था। तीसरा वर्ग यदि हम आप तीसरा वर्ग में है तो तीसरे वर्ग में सबसे पहले आता था मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग यदि हम अधिकार की दृष्टि से देखें तो मध्यम वर्ग अधिकार विहीन था, अधिकारों की कमी थी। इस वर्ग में मुख्यतः जो लोग आते थे वो थे धनी व्यापारी, चिकित्सक और साहित्यकार, ये इस वर्ग से संबंधित थे और इस वर्ग के लोगों का भी सामाजिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण स्थान होता था। और जितने जो पहले दो वर्ग है कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, उनके कार्यों में ये लोग अपना पूरा सहयोग प्रदान किया करते थे, लेकिन आर्थिक दृष्टि से देखें या अधिकारों की दृष्टि से देखें तो इनकी सामाजिक स्थिति में काफी अंतर पाया जाता है। अब इसमें आप देखिएगा ये जो मध्यम वर्ग है इसको बुर्जुआ वर्ग के नाम से जाना जाता था, बुर्जुआ। और धर्म के क्षेत्र में यानी चर्च में हो या प्रशासन संबंधी कोई काम हो उसमें ये लोग अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया करते थे। इसके बाद आप देखिए राजनीतिक व्यवस्था में भी, क्योंकि ये वर्ग जो था बुर्जुआ या मध्यम वर्ग ये बुद्धिमान थे, शिक्षित हुआ करते थे, तो इनकी सहायता की आवश्यकता प्रशासन के क्षेत्र में भी होती थी और धार्मिक कार्यों में भी इनका सहयोग लिया जाता था। अब इसके बाद हम बात करते हैं शिल्पकारों की। शिल्पकार जो दस्तकार भी जिन्हें हम कहते हैं, उनकी स्थिति जो थी समाज में वो भी काफी निम्न स्थिति माने जाते थे। और कृषक वर्ग, कृषक वर्ग जो समाज में ही नहीं बल्कि देश के उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अपना श्रम करके वो बहुत अधिक उत्पादन करने में विश्वास रखता है और देश की अर्थव्यवस्था में अपने उस परिश्रम के माध्यम से अपना भरपूर सहयोग प्रदान करता है। लेकिन फ्रांस की राजनीति का व्यवस्थाओं के चलते और फ्रांस के प्रथम दो वर्गों के विशेष अधिकारों के कारण कृषकों की स्थिति जो थी वो काफी हीन अवस्था में थी। कृषकों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था, इतना ही नहीं उन्हें अपने द्वारा श्रम किए गए कुल उत्पादन का काफी अंश सरकार को कर के रूप में और चर्च को धर्मांश के रूप में देना पड़ता था, तो उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो काफी दयनीय थी। इस तरह से फ्रांस में राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था में काफी असमानताएं थी और इन असमानताओं को दूर करने के लिए ही फ्रांस के अंदर ये राज्य क्रांति हुई, क्योंकि इन असमानताओं ने लोगों के अंदर काफी आक्रोश उत्पन्न कर दिया था और अपने उस आक्रोश को उन्होंने लुई सोलमे के विरुद्ध संयुक्त होकर के उसका विरोध करने की तैयारी की और इस क्रांति को उन्होंने एक विशाल स्तर पर लागू चालू किया और सम्राट लुई सोलमे के लिए काफी दिक्कतें भी उन्होंने उत्पन्न की। अंततः स्वाभाविक है कि जो सामान्य वर्ग था उसके पास संसाधनों का अभाव था, लेकिन जैसे भी हम इस टॉपिक में आगे पढ़ेंगे संसाधनों के अभाव के बाद भी जो जोश था वो पब्लिक में कम नहीं था और उन्होंने लुई सोलमे के विरुद्ध अपनी सफलता दर्ज कराई थी। इसके बाद हम आर्थिक कारण को लेते हैं। आर्थिक कारण जो है वो भी फ्रांस की राज्य क्रांति के लिए उत्तरदायी थे। जैसा हमने लुई 14वें से पढ़ा कि युद्धों में निरंतर सलग रहने के कारण फ्रांस की राज्य सीमाएं उसने अवश्य विस्तारित की थी, लेकिन फ्रांस का राजकोष जो था उस पर उसका दुष्प्रभाव पड़ा।
लुई 15वां एक विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था या शासक था, उसने भी फ्रांस की इस आर्थिक व्यवस्था को सुधारने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन लुई 16वें के द्वारा इन आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के भरसक प्रयास किए गए। उसके अर्थमंत्री, चाहे वो तुर्बो हो, नेकर हो या कैलोन हो, उनके द्वारा निरंतर सम्राट को इस आर्थिक स्थिति से उभरने के लिए, इस दिवालियेपन से उभरने के लिए बराबर उनको सलाह दी जाती रही। लेकिन जो विशेषाधिकार संपन्न वर्ग था, उसके द्वारा वो बातें या वो सुझाव कभी भी लागू नहीं हो पाए। अब कृषि के क्षेत्र में सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। प्राकृतिक प्रकोप आदि के समय कृषकों को राज्य की ओर से सहायता दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन उनके द्वारा या फ्रांस के सम्राट लुई 16वें के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने, उद्योग धंधों को स्थापित करने, व्यापार में बढ़ोतरी करने की ओर भी कभी ध्यान नहीं दिया गया। फिर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फ्रांस के द्वारा सहायता पहुंचाने के कारण भी फ्रांस अपने दिवालियापन की ओर अग्रसर हो गया। और ये सारी परिस्थितियां जो थी, उससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति जो थी वो इतनी अधिक खराब हो गई थी कि लोग अपनी आवश्यकताओं को भी, अनिवार्य आवश्यकताओं को भी पूरा करने में समर्थ नहीं हो रहे थे। और जब उन्होंने ये देखा कि फ्रांस का शासक इस आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई उचित प्रयास नहीं कर रहा है, तो उन्होंने संयुक्त रूप से उस सम्राट को सिंहासन से हटाने और एक योग्य प्रशासक को वहां पर स्थापित करने और एक अच्छी व्यवस्थाएं लागू करवाने के लिए उनके द्वारा ये क्रांति की गई। तो इस तरह से हम देखते हैं राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों कारणों ने मिलकर के इस क्रांति की शुरुआत करने में अपना सहयोग प्रदान किया था। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर हम मिलते हैं। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। एंड स्पेशली आप देखिएगा, 18 तारीख से एग्जाम है आप लोगों के, बड़े 5-6 महीने का आपको सफर करना पड़ा है और उसकी पीड़ा हम समझ सकते हैं कि आपका बार बार जो सर्कुलर था वो टूटा है, रोटेशन आपका गायब हो गया। आप कभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, कभी आप छोड़ देते हैं, लेकिन अब आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करेगा। पैटर्न भी चेंज हो चुका है, उम्मीद है कि आप लोग उस नए पैटर्न में भी सक्षम होंगे। और इसी उम्मीद के साथ, अपनी गुड विशेष के साथ, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।